हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपको हमारे चैनल में जिसका नाम है सखी रे। आज मैं अपना पहला वीडियो यहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ, और क्योंकि पहला वीडियो है तो मैं अपने नेटिव प्लेस का एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। और आज का ये जो वीक है, ये पूरा वीक रथ यात्रा का वीक है। तो आज पहला दिन है, आज क्या बोलते हैं, सोजा रथ हम बंगाली में बोलते हैं, यानी कि पहला दिन है रथ का। और जा रहे हैं अभी किशन जी अपने मासी के घर जा रहे हैं, तो वो वाला दिन है। तो आज कोइंसिडेंटली कुछ ऐसा हुआ, मेरा भाई आया और वो कल ही जाने वाला है, इसलिए आज ही हम मेले में गए। यहाँ पे एक बड़ा सा मेला लगता है खड़गपुर में। मैं आपको सारे रूट डायरेक्शन सारे आपको बताने वाली हूँ। और ये मेला हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि चाइल्डहुड से हम जब छोटे थे, ट्यूशन से भाग के और सारे दोस्त मिलके लड़के झगड़ के हम यहाँ पे जाते थे और बहुत मज़ा आता था। तो जब भी ये दिन आता है, ये मेला आता है, तभी हमारे दिल में वो सारी बातें, सारी यादें ताज़ा हो जाती है। तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स भी आता है। तो जो भी अभी सारे दोस्त सारे बाहर बाहर रहते हैं, सारे सब नौकरी करते हैं, सारे आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, इस टाइम पे आ नहीं पाते हैं। तो आज का जो भी वीडियो है वो पहले तो मैं अपने सारे जो मेरे बचपन के दोस्त हैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगी, और सेकेंडली जो भी खड़गपुरियन हैं उनको मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप कभी, वैसे तो काफ़ी फेमस है ये, सबको खड़गपुर में है तो ये आपको मायापुर का रथ का मेला के बारे में सबको पता ही है। पर स्टिल अगर किसी कारण आप अभी तक आ नहीं पाए हैं तो ज़रूर आइए इस मेले में। हमारे एकदम पास का, दिल के पास के मेला है। तो मैं यही कहना चाहूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा वीडियो क्वालिटी में जो भी प्रॉब्लम्स आया है आप समझ सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, बीच बीच में ही बारिश हो रही थी और काफ़ी हद तक भीड़ थी, तो धक्कम धक्की भी काफ़ी हो रही थी। तो कुछ फुटेज अच्छे नहीं आए हैं, और लो लाइटिंग कंडीशन है, क्योंकि मेले में हम अक्सर शाम के टाइम पे ही जाते हैं और वो जो भी लाइटिंग है वो बल्ब के या वो शॉप्स के जो लाइट्स थे उसी में शूट करना पड़ा। तो कंसीडर दैट एंड आई जस्ट होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आज मैं लेके जाती हूँ आपको एक खड़गपुर DVC मायापुर के मेले में, जो है रथ यात्रा का मेला। तो ये है जो बीच में जो जिसको खींच के लाया जाता है वो रथ, और ये है असली टेंपल जो रिसेंटली बना है, जिसको लाइटिंग से अभी सजाया गया है पूजा के टाइम पे। और ये मेरा मेला स्टार्ट होता है, मेले के स्टार्ट में, बिगिनिंग में है ये पौधे का दिखेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ एंट्रेंस है और यहाँ पर लवली बेलून्स पहले ही हमें दिख जाएगा। ये जो सारे खाने के दुकान है जो एकदम बिगिनिंग में आप जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही दिख जाएंगे, ये सारे बलून्स, थोड़े खिलौने वगैरह। और ये पहले मैंने जो दुकान देखा वो बैग का, और क्योंकि काफ़ी बारिश हो चुकी है तो काफ़ी कीचड़, थोड़ा पानी, मिट्टी, और साथ ही ये एकदम फुट में बिछे हुए खिलौने के दुकान जिसके प्राइसेस लो होते हैं और क्वालिटी भी वो कुछ ख़ास नहीं होती। और ये जो नारियल का रहता है ये हम बचपन में बहुत खाते थे। चलिए अब इसके बाद देखिए कितना मड है यहाँ पे, फिर भी कितना भीड़ है। और ये हमारा असली जो टेंपल है, जो जिसको खींच के यहाँ पे लेके आया जाता है पूरे फील्ड के बीचों बीच, और इसी की पूजा होती है। और ये जो रस्सी है इसको खींचने का कुछ रिवाज है, तो सारे ये रस्सी को थोड़ा खींच के थोड़ा प्रणाम वनाम कर लेते हैं। तो इसके बाद फूड स्टॉल की तरफ जाते हैं, काफ़ी सारा फूड स्टॉल यहाँ पे, आपको जो भी मन करे खाने का सब चीज़ों के लिए मिल जाएगा आपको। ये भेलपुरी का स्टॉल है, और साथ ही जो बच्चों के लिए ज़बरदस्त सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है वो है ये सारे
जो भी खिलौने होते हैं, खिलौने बोल रही हूँ, ये जो हमारे टॉय के जिसमें उठ के हम थोड़ा घूम घूम सकते हैं, दूलना बोलते हैं हम हिंदी में या बंगाली में। तो लीजिए, अब काफ़ी इंसिस्ट के बाद मैं यहाँ पे ये मौत के कुएं में जा रही हूँ, और ये बहुत ही डेंजरस होता है, मुझे बहुत पसंद है वो तो नहीं। और दोस्तों, अगर बच्चे ये देख रहे हो तो कभी मोटरसाइकिल के कोई भी स्टंट्स आप बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। ये जो भी करते हैं यहाँ पे, इनका बहुत प्रैक्टिस रहता है, ये प्रोफेशनल्स हैं और इनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये ट्रिक्स आप कभी अपने घर में अपने बाइक के साथ बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। ओके, यहाँ पे भैया बोल रहे हैं कि आप हम वीडियो रिकॉर्डिंग मत कीजिए, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। और ये जो झूला है, ये हमें बचपन में इतना पसंद था, हर बार आते थे, जितनी बार आते थे उतनी बार यहाँ पे चढ़ते थे। और ये टॉप व्यू से मैंने यहाँ से तस्वीर ली है, पूरा मेला यहाँ से दिख रहा है। ये जो बीच का पोर्शन है, यहाँ पे सारे खाने के दुकान वकान मिलते हैं, और यहाँ पे ये आ गया हमारा झूला, और झूले के उस साइड के जो दुकान है वो सारे कॉस्मेटिक्स वगैरह के लिए। और ये झूला बहुत ही स्पेशल है, मैं एक बार चढ़ी थी तो मेरा दिमाग बिल्कुल घूमने लगा था, पूरा सर्वर चकरा रहा था, पता नहीं कैसे उठ जाते हैं इसमें सारे लोग। तो ये है बेसिकली जो फुल व्यू जो जिसे कहते हैं हमारे रथ के मेले का, काफ़ी सारी लाइटिंग्स है और बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही दिल के पास है। नेक्स्ट फिर खाने की तरफ चलते हैं, ये मेरा फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट है। ये दोस्तों बेसिकली एक काइंड ऑफ आइसक्रीम है, तो पता नहीं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए भैया पीछे से कुछ इसको, इस राउंड सर्कल को कुरेद के इस तरह से निकाल के दे रहे हैं, और एक चम्मच लगा के दे दिया बस, तो हमने भी ले लिया है एक, और इसको थोड़ा सा खा लेते हैं क्योंकि मेले में आए हैं, तो अपना फेवरेट तो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो वे चलेगा नहीं। तो लीजिए, यहाँ पे खाने को थोड़ा स्टॉप करते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे एकदम इसको पापड़ी जो भी बोलते हैं, ये बहुत एकदम रेडीमेड बना रहा था। और इसके बाद हम चाउमीन की दुकान में चले गए और थोड़ा सा हमने चाउमीन भी खाया है, गर्मा गर्म चाउमीन। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मोमो के भी स्टॉल बैठे हैं और पापड़ बिक रहा है। यहाँ पापड़ कहते हैं कि रथ के मेले में आए तो पापड़ खाना ही चाहिए। और ये सारे अब दुकानों की लाइन आ गई, बैग के दुकान, ज्वेलरी के दुकान, खिलौने के दुकान, कुछ किताबों के दुकान। और ये बड़ा ही फेवरेट हम सब का, स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनका, चलो आज जाके बलून देखते हैं कितने बलून हम स्ट्राइक कर सकते हैं, कितने बलून को हम आज टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चे भी यहाँ पे खड़े हैं जिनको ये बलून कर बलून को फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बचपन में हम भी किया करते थे। तो लीजिए, अब हमारा मेरा सबसे फेवरेट जो भी लड़कियों का फेवरेट है वो है सारे कॉस्मेटिक्स के दुकान। और यहाँ पे थोड़े बहुत खिलौने के दुकान है, इसमें काफ़ी सारा बार्गेनिंग करना पड़ता है दोस्तों, और खिलौने के दुकान में। और इसके बाद कप्स, कांच के प्लेट्स और ये प्लास्टिक के बॉटल्स, इसके भी दुकान यहाँ पे लगे हुए हैं। और मुझे मेरा फेवरेट हर एक माल का दुकान, 5 रुपया हर एक माल, 10 रुपया हर एक माल, 20 रुपया, 30, 35, हर तरह के हर एक माल के दुकान यहाँ पे मिल जाएंगे। ये 30 रुपए का दुकान है, देखिए काफ़ी सारा ये बैट बॉल 30 रुपए में मिल जा रहा है। और मेरा फेवरेट वो जो आप फेदर के झुमके देख रहे हैं, ये मुझे बहुत ही पसंद आए, तो मैंने इसको ख़रीदा भी है। मैं आपको इसको बाद में एक और वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने मेले में क्या क्या ख़रीदा है, क्योंकि मेले में अगर जाते हैं तो ऐसी ही ऊट पटांग चीज़ें ख़रीदना हो ही जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो हार वगैरह है ये भी 30 रुपए में मिल रहा है, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। तो ये एक और दुकान है जहाँ पे भी वो लड़कियों के सारे चीज़ें मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 रुपए वाली दुकान में, मैंने अभी जो दिखाया था
यहाँ पे कुछ क्लिप वगैरह, ये नॉर्मल आप बाज़ार में ख़रीदने जाएंगे तो 5 रुपये में बेसिकली मिलता नहीं है, कम से कम 10 रुपये लग जाता है। तो यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है। नेक्स्ट ये बच्चों के लिए कुछ बलून वलून के कुछ बॉल वॉल के दुकान हैं, और ये कुछ खिलौने के दुकान हैं। काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी के दुकान यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लगभग हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे सारे सिरामिक के जो भी कप्स हैं प्लेट्स हैं वो मिल रहे हैं। तो दोस्तों जिनको भी पता नहीं है कि यहाँ पे आना कैसे है, उनको मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। खड़पुर स्टेशन पे अगर आप आ जाए तो आपको बोगदा के साइड आना है, यानी कि खड़पुर बस स्टैंड के ऑपोजिट साइड पे आना है। वहाँ से आप ऑटो पकड़ लीजिए, और ऑटो पकड़ने के बाद आपको DVC मायापुर पे उतरना है। ऑटो का भाड़ा लगभग 10 से 12 रुपया लेते हैं। ये 2018 जुलाई है तो 10 से 12 है, 12 है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ये मिनरल्स मुझे इतने पसंद आए, मिट्टी के सारे बने हुए हैं, और आपके घर को शोपीस से भरना चाहते हैं तो ये एकदम परफेक्ट टाइम है। अच्छा खासा बार्गेनिंग हो जाता है यहाँ पे। आप पहले दिन आ जाइए, या तो फिर मुहूर्त के टाइम आ जाइए, या तो फिर लास्ट दिन को आप यहाँ से बार्गेनिंग करके लेके जा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा फ्लावर है यहाँ पे, और कितने लंबे हैं, आप देख सकते हैं भैया जी के पाँव तक आ जा रहे थे। और ये एक किताब की दुकान है, काफ़ी सारे किताब और पोस्टर्स भी यहाँ पे मिलते हैं। हमें बचपन में पता नहीं कि बड़े बड़े पोस्टर्स लेके आने का बहुत मन होता हुआ करता था। और ये झुम्बर सारे हैं, और ये फिर से मेरा फेवरेट हर एक माल का दुकान, या 30 रुपये में मिल रहा है, और साथ ही बाजू में लगा हुआ ये हम मैप वगैरह किताब वगैरह की दुकान। तो दोस्तों जहाँ पे मैं थी, तो DVC पे आपको उतरना है। उतरने के बाद बिल्कुल सीधा नाक बराबर आपको DVC की तरफ अंदर की तरफ चले आना है, और बस वहीं पे है ये बहुत ही बढ़िया वाला हमारा जो है मेला। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने हाथ में रख के दिखाया था 5 वाला का जो सामान था, वो वाला सामान वापस नहीं होगा, आपका देख के ले लेना पड़ेगा। और वो छोटे छोटे जो झुमके थे, छोटे छोटे जो टॉप्स थे, वो टॉप्स हमें बचपन में इतना पसंद था, वो आज भी 5 रुपये और 7 रुपये का था। तो वो हमें बहुत ही पसंद था, और हमें पता नहीं हम कितने सारे खरीद खरीद के लेके जाते थे कि बदल बदल के पहनेंगे, और आधे से ज़्यादा हम घुमा देते थे। तो ये रहा। उसके बाद जो बारिश अभी होने लगी है बेसिकली, तो हम थोड़ा सा साइड पे आके खड़े हो गए हैं, और उसी में शूटिंग चल रही है। और ये तो खाने का दुकान मैं बता रही थी पहले ही, और ये साइड से मैंने मंदिर को ले लिया। और बहुत ज़ोरों की बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई, मैंने पूरा कवर करूँगी सोचा था, पर पूरा मेला मैं कवर नहीं कर पाई। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज़ोरों की बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो बस जाते जाते लास्ट में ये जो पौधे हैं, बहुत ही खूबसूरत पौधे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।